हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रवीण और आप लोग देख रहे हैं टेक फॉर ईपी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जितने भी लोग यार यूट्यूब पर काम करते हैं उनका एक मेन प्रॉब्लम ये होता है कि यार वीडियो में जो है व्यूज़ नहीं आते हैं। तो गाइस, इसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार अपने यूट्यूब वीडियो में किस तरीके से व्यूज़ को बढ़ा सकते हो। यार व्यूज़ को बढ़ाने से क्या होता है कि वीडियो में अगर व्यूज़ होते हैं, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होता है, तो यार इंप्रेशन भी ज़्यादा जाता है। इंप्रेशन ज़्यादा जाने में वो चैनल भी जल्दी ही ग्रो होता है। तो इसके लिए जो है व्यू हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे यूट्यूब चैनल का। और बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ पर यार देखता हूँ कि यार 10-20-20-30 व्यूज़ ही रहते हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। वो लोग 100 वीडियो, 200 वीडियो, 500 वीडियो तक डाल देते हैं, बट उसके बाद भी उनकी वीडियो पर 50-60 व्यूज़ से ऊपर नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो है मैं इस सेपरेट वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से आपको जो है अपने यूट्यूब वीडियोज़ में व्यूज़ को इनक्रीज़ करना है। तो गाइस, उससे पहले यार अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर डेली शाम को 4 बजे लाइव चैनल चेकिंग और लाइव यूट्यूब चैनल का प्रमोशन किया जाता है। तो अगर आपका भी प्रमोशन नहीं हुआ है और आप भी चाहते हैं कि यार आप अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करवा के कुछ ग्रो करने में हेल्प मिल जाए, तो आप लोग मेरे प्रमोशन में जुड़ सकते हैं, वो भी शाम को 4 बजे। तो मैं आप सभी के चैनल को जो है प्रमोट कर दूंगा। तो चलिए गाइस, मैं बता देता हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरीके से आपको व्यूज़ को इनक्रीज़ करना। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना चैनल सर्च कर लेना है, चैनल ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं सर्च करके ओपन करता हूँ। ये मेरा जो है सेकेंड चैनल है, इसमें मैंने 4000 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं, और उसका कैसे कंप्लीट किया है वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख लेना। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जिस भी वीडियो पर व्यूज़ बढ़ाना है उस वीडियो को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो, ये 30-25 मिनट वाली वीडियो को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिंक इसकी कॉपी कर ली है। अब लिंक को कॉपी करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको वही लिंक कॉपी करनी है जिस वीडियो में आपको जो है व्यूज़ को इनक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा जिसका नाम है प्रोम, ठीक है, PROME। तो ये इजीली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ईजिली डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस ऐप को ओपन करना है। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, तो फर्स्ट टाइम ओपन करने में गाइस आपको जो है लॉगिन करना होगा अपने किसी अकाउंट से, किसी जीमेल अकाउंट से। तो आपको किसी अनदर जीमेल अकाउंट को देकर इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गाइस देखो, सबसे पहले तो अभी 0 कॉइन दिखा रहा है, बट यहाँ पर कॉइन बढ़ाने के लिए अगर हम 30 सेकेंड वॉच करेंगे तो हमें 30 कॉइन मिलेगा। 45 सेकेंड वॉच करेंगे, मतलब हम जितने सेकेंड की वीडियो देखेंगे हमें उतने कॉइन मिलने वाले हैं। तो यार सबसे पहले तो पहले कॉइन बढ़ा लो, 5000-10000 कॉइन्स कर लेना, ठीक है। और गाइज, ये 100% वर्किंग एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आप पहले जो है कॉइन्स को इनक्रीज़ कर लेना। कॉइन्स को इनक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर कैंपेन का एक ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी एक भी कैंपेन नहीं लगा रखा है, लेकिन लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हमें वीडियो का जो है URL डालना है। तो मैंने कॉपी करके लाया हूँ, आपके सामने ही कॉपी किया है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो टाइटल आ गया है, और उसके बाद जो है वीडियो का थंबनेल आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें कितने व्यूज़ चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे मिनिमम जो है 25 व्यूज़, 50 व्यूज़, 100, 500, 1000, 5000 और 10000, ठीक है। तो मैं अभी 25 व्यूज़ अगर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद वीडियो की ड्यूरेशन सेकेंड में सेलेक्ट करनी है, तो 30 सेकेंड है, 45 सेकेंड है, 60 सेकेंड है। अगर गाइज आपकी वीडियो 90 सेकेंड या 60 सेकेंड रहेगी तो आपका व्यूज़ ड्रॉप नहीं होगा, और साथ में वॉच टाइम भी काउंट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 60 सेकेंड या फिर 90 सेकेंड या फिर उससे अगर ऊपर आप चाहें तो ऊपर का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो 30 सेकेंड और 45 सेकेंड को सेलेक्ट मत करना, उससे व्यूज़ ड्रॉप का प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर 60 सेकेंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। 60 सेकेंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो कॉस्ट पर व्यू कितना हमें 60
कॉइन्स लग रहे हैं एक व्यू का, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 1500 कॉइन्स। अगर आपके अकाउंट में 1500 कॉइन्स है तो आप इसको कैंपेन को सेव कर सकते हो। लेकिन अभी देखो मेरा बैलेंस नहीं है, इसमें जो है कॉइन्स नहीं है, तो इसमें पहले वीडियो को वॉच करके जो है कॉइन अर्न करने हैं, उसके बाद कैंपेन लगाने। आप जितने ज़्यादा व्यूज़ लोगे उतने ज़्यादा हमको कॉइन लगने वाले हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप पहले तो कॉइन अर्न कर लो, कॉइन अर्न करने के बाद जो है आप आराम से अपने कैंपेन को रन कर सकते हो, और कैंपेन को रन करके जो है वीडियो पर व्यूज़ बढ़ा सकते हो। लेकिन गाइज अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ मत करना, और अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप इसको एप्लीकेशन को जो है यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कैंपेन लगा देना है। यहाँ पर सबसे पहले कॉइन को अर्न कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इस वीडियो पर अगर इसको वॉच करना है तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर ये वीडियो प्ले होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे ही ये वीडियो प्ले होने लगेगी तो वीडियो को प्ले होने के बाद जो है आपका कॉइन्स बढ़ना इंक्रीज़ होगा। पहले देखो ये वीडियो प्ले हो चुकी है, और प्ले होने के बाद यहाँ पर 26 सेकेंड प्ले होने पर हमें 30 कॉइन्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं इसको फुल वॉच कर लेता हूँ और कॉइन को अर्न कर लेता हूँ। देख सकते हो गाइस यहाँ पर जो है मैंने 30 कॉइन्स को अर्न कर लिया है, और अर्न करने के बाद यहाँ पर ये क्रेडिट भी हो चुका है। इसी तरीके से वीडियोस को वॉच करते जाओ और कॉइन्स को बढ़ाते जाओ। जितने ज़्यादा आपके पास कॉइन्स होंगे उतने ज़्यादा जो है आप उतना बड़ा कैंपेन लगा सकते हो, उतने ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हो। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ अपने चैनल पर जाकर। यहाँ पर देखो वीडियोज़ तो कम है यार, लाइव ही मैंने यहाँ पर ज़्यादा कर रखी है, और लाइव भी बहुत बड़ी बड़ी है, 58 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, तो इस तरीके की लाइव है। तो आपके चैनल पर तो यार 4 मिनट, 3 मिनट की वीडियो होगी ही, आपको उसको कॉपी करके उसका जो है कैंपेन लगाना है। मान लीजिए कि आपकी वीडियो जो है 2 मिनट की है, 2 मिनट मतलब होता है 120 सेकेंड, तो ठीक है आपको 120 सेकेंड इस कैंपेन में आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपकी जितनी वीडियो है आप उतना ही वहाँ कैंपेन में सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 25-50 व्यूज़ चाहिए, और अगर मेरी वीडियो 3 मिनट की है इसका मतलब है कि 90 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 120 सेकेंड होगा ना, 120 मतलब 2 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया वीडियो ड्यूरेशन सेकेंड। अगर मेरी 2 मिनट की है तो मैं 120 लूँगा, और अगर ज़्यादा बड़ी है तो मैं जो है उसमें लूँगा 300 सेकेंड, इससे ऊपर नहीं ले सकते हैं, 300 है, 120 है। अगर आपकी 1 मिनट की है तो 30 सेकेंड, अगर 1.5 मिनट की है तो 1 घंटे ये 45 सेकेंड लेना है, और अगर आपकी 2 मिनट की है तो मतलब इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 सेकेंड है तो 30 सेकेंड, 45 सेकेंड है तो 45 सेकेंड, और अगर 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट है तो 1 मिनट, और अगर 1 मिनट 30 सेकेंड की वीडियो है तो 90 सेकेंड, मतलब कि आपको देख लेना है कि किस तरीके की। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिनट की वीडियो है तो मैं 120 पर जो है सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ही वीडियो को चलाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है एप्लीकेशन को यूज़ करना, और एप्लीकेशन को यूज़ करके वीडियो पर व्यूज़ बढ़ाने। तो गाइज अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर ज़रूर से सेट कर लेना। तो चलिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।